नमस्कार दोस्तों, मैं सोनाली सिन्हा केवी स्टूडियो के खास प्रोग्राम में आप सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आज हमारे बीच भोजपुरी इंडस्ट्री के एक उभरते हुए संगीतकार हैं, तो आइए मैं आपको उनसे रूबरू करवाती हूं। सर, आपका केवी स्टूडियो में स्वागत है। नमस्ते मैम, आपका और डॉक्टर रोशन कुमार सर का धन्यवाद जो मुझे यहाँ पे अपना केवी स्टूडियो में आने का मौका दिए। जी सर, सर सबसे पहले हम ये जानना चाहते हैं कि आप फिर कहाँ से बिलोंग करते हैं। मैं समस्तीपुर जिला के विभूतिपुर प्रखंड से बिलोंग करता हूँ। सर, आपकी पढ़ाई कहाँ से हो रही है? मैम, पढ़ाई अभी हमारी मतलब नरहन कॉलेज डिवीजन कॉलेज से 12th इंटर में है, अभी 12th कर रहे हैं। जी सर, सर आपका संगीत में रुझान कैसे हुआ और कब हुआ? मैम, संगीत में रुझान तो बचपन से है जो जाने का, लेकिन फिर हम मतलब 10th पास किए उसके बाद इसका तैयारी करना शुरू कर दिए। सर, आप कौन कौन कैसा सॉन्ग और कौन कौन सा सॉन्ग गाते हैं? मैं भोजपुरी, हिंदी और मैथिली गाते हैं तीनों सॉन्ग। तो आप सबसे ज़्यादा कौन सा सॉन्ग करते हैं? सबसे ज़्यादा तो भोजपुरी कर रहे हैं फिलहाल। अच्छा सर, हमारे दर्शकों को आप अपनी गायकी सुनाएं। जी जी, जहिया से चल गईली छोरी के हमके, जहिया से चल गईली छोरी के हमके, जिंदगी भइल सुनसान हो जाए, चंदा ले अब खबरिया, जाए चंदा ले अब खबरिया, कैसन बारी मोर जान हो, ए चंदा हो कैसन बारी मोर जान हो। सर, आप संगीत लाइन से जुड़े हुए हैं, तो आपका सॉन्ग कौन लिखते हैं? मैम, राइटर का काम हम खुद करते हैं। वाह, मतलब खुद मल्टी टैलेंटेड हैं। जी जी जी, मतलब थोड़ा कोशिश करके लिख लेते हैं खुद से। जी जी, तो सर आपकी हॉबी क्या है? हॉबी मैम मतलब एक स्टार लेवल तक जाना मुझे मतलब है भोजपुरी में। सर, आपकी हॉबी क्या क्या है? मुझे मैम गाना गाना पसंद है, उसके बाद गाना लिखता हूँ, शायर मतलब शायरी भी लिखता हूँ, और डांस करना भी पसंद है। वाह वाह वाह, मतलब आप बेहतरीन सिंगर होने के साथ साथ जी डांसर भी हैं। जी 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 सर, तो आप अपनी शायरी हमारे दर्शकों को सुनाएं। जी जी, मैं शेर शायरी ज़्यादातर लिखता हूँ। जी, कभी सोचे भी नहीं थे कि प्यार में ऐसा भी दिन आएगा, कभी सोचे भी नहीं थे कि प्यार में ऐसा भी दिन आएगा, तुम मेरी नहीं होगी लेकिन तेरा याद बहुत रुलाएगा। वाह वाह वाह, लाइफ में किसी को मतलब से ज़्यादा टाइम मत देना, लाइफ में किसी को मतलब से ज़्यादा टाइम मत देना, नहीं तो वो आपको टाइम पास करने की मशीन समझ लेगी। दिल से एक बात बोलूं, रात में सोने से पहले भगवान से यही प्रार्थना करता हूं कि हे भगवान, रियल में उससे नहीं मिल सकता हूं तो सपने में जरूर मिलाना। प्यार करके क्या मिला, प्यार करके क्या मिला, बस एक सीख, प्यार करने के लिए दिल नहीं दौलत चाहिए। पता नहीं क्यों वो बहुत याद आती है, पता नहीं क्यों वो बहुत याद आती है, वो तो रुला गए हमें पर हम उसे भूल ना पाते हैं। वाह वाह सर, आपकी शायरी में बहुत ही दर्द भरी शायरी है। जी जी, तो इसके पीछे का राज क्या है? राज में हम कुछ नहीं है, बस यूं ही। अच्छा, तो सर आप सैड शायरी ही क्यों लिखते हैं, आप रोमांटिक सॉन्ग भी लिख सकते थे। जी जी जी, आजकल लोगों को मतलब सैड ज्यादा पसंद आता है क्योंकि आज लोग बचपन में प्यार कर लेते हैं, धोखा पाते हैं, फलना चिलना, मतलब बहुत लोग इसलिए। सर, आपका संगीत क्षेत्र में आने की प्रेरणा कहाँ से मिली? संगीत क्षेत्र में आने का प्रेरणा हम मतलब फोन पे टीवी पे देखते थे, सिंगर लोग ऐसे स्टेज प्रोग्राम करते हैं, इतना मतलब उनका जी मिलता है, ताली बजाते हैं, दर्शक इनका मतलब दिल में बसाते हैं, इसलिए हम भी सोचे संगीत सिंगर बने और दर्शकों के दिल में रहें। जी सर जी। अच्छा सर, आप अपने फेवरेट सिंगर का एक संगीत, एक गायकी हमारे दर्शकों को सुनाएं। मेरा पहले फेवरेट सिंगर अभी अंकुश राजा जी हैं जो भोजपुरी के न्यू सिंगर मतलब स्टार सुपर स्टार बन गए। जी सर, उनका गाना एक बहुत ही हिट कर रहा है अभी फिलहाल में,
नैहर में गोरी कुछ कोइले रहू कि ना, नैहर में गोरी कुछ कोइले रहू कि ना, कोनो यार से प्यार के मोहर तू मर वैले रहू कि ना, हम कुमारे में गलती तो कोइले बनी, हम कुमारे में गलती तो कोइले बनी, बकरी एक बेर गंगा न होइले बनी, बकरी एक बेर गंगा न होइले बनी। सर हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि हिंदी फिल्म भी बनती है और भोजपुरी, मैथिली बहुत सारे टाइप की बनती है, पर भोजपुरी का व्यू इतना ज़्यादा कैसे चला जाता है? भोजपुरी में कुछ मतलब मस्ती वाला रोमांट सॉन्ग आता है, इसलिए लोग दर्शक खूब सुनते हैं, इसलिए मतलब ज़्यादातर भोजपुरी अभी हिट है। जी मतलब बिहार झारखंड में लोग भोजपुरी जी बहुत ज़्यादा सुनना पसंद, जी अपना भाषा है भोजपुरी, इसलिए लोग ज़्यादातर सुनना पसंद करते हैं और अच्छा लगता है भोजपुरी सुनने में। जी सर आपकी फैमिली सपोर्ट करती है इस चीज में? फैमिली सपोर्ट मतलब दिल से करती है, लेकिन मनी मतलब रुपया से कर नहीं पाती अभी। मनी मतलब हम मिडिल फैमिली से बिलोंग करते हैं, इसलिए मनी से नहीं कर पाती अभी फिलहाल, लेकिन दिल से करती है, पूरा सपोर्ट है, आशीर्वाद है प्यार है घर का। जी सर कोरोना काल में इस महामारी में बहुत ही मतलब दुष्प्रभाव पड़ रहा है समाज पर, सभी लोग पे, तो इसमें आप खुद को कैसे बिजी रखते हैं? क्या इस स्थिति में भी आप लोग की सॉन्ग रिलीज होती है? मैम अभी तो रिकॉर्ड नहीं कर पाते हैं सॉन्ग, क्योंकि कोरोना काल में मतलब बाजार जाना आना, इसलिए घर पे रहते हैं, अपना रियाज वाज करते हैं, मतलब तैयारी कर रहे हैं, घर पे लिखते हैं सॉन्ग, कोरोना काल में रिकॉर्ड अभी बंद है। जी सर आपने जैसा कहा कि आप मैथिली सॉन्ग भी करते हैं, जी जी एक सेकंड कट प्लीज स्टार्ट। सर जैसा कि आपने कहा कि मैथिली सॉन्ग भी आप गाते हैं, तो सर एक अंतरा हमारे दर्शकों के लिए हो जाए। मैथिली में एक ओल्ड सॉन्ग है जी, बहुत अच्छा लगा सुना। ए छोटकी भौजी लग बुझोगार, ए छोटकी भौजी लग बुझोगार, अबू नहीं रहबै हमहु कुमार, नहीं जानी हमरा से की भऽ गेलै ये, आहा बहिन से हमरा लब भऽ गेलै ये, आहा बहिन से हमरा लब भऽ गेलै ये। सर आपने अभी तक कितने सॉन्ग किए हैं? मैं मेरा अभी मतलब 10-11 महीने से इसलिए मैं काम कर रहा हूँ, अभी तक 6-7 सॉन्ग आए हैं जी एल्बम। जी तो सर आप किसके साथ ये गाना रिकॉर्ड करते हैं, आपकी टीम क्या है, कौन कौन है? टीम तो मैं मतलब मैं अपना खुद का चैनल है मेरा, अपना चैनल अमरेश यार यूट्यूब पे खोले हैं, उस पर अपना गाना डालते हैं और रिकॉर्ड करवाते हैं कहीं कहीं जा के। मतलब पहले तो हम कराते थे मतलब दूसरे ही चैनल पे मतलब रिलीज, फिर वो क्या करते थे 1000 व्यू जाता उसके बाद डिलीट कर देते थे, वो अपना गाना चैनल से डिलीट कर देते थे, इसलिए सोचे अपना चैनल चालू करें, उसके बाद अपना चैनल पे चढ़ाते हैं सब गाना। जी सर तो सर आपका जो नाम है अमरेश यार, जी जी, तो इसका क्या मतलब है? जी मेरा अमरेश पूरा मतलब फैमिली का मतलब फैमिली ही रखे अमरेश, लेकिन अमरेश मेरा परिवार का नाम है और यार हम अपने खुद से टाइटल लगाए हैं। मैम सोचे जो इस लाइन में जाएंगे तो कुछ अपना टाइटल, जैसे खेसारी लाल यादव उनका है प्रमोद प्रेमी, ऐसे बहुत से सिंगर हैं उनका टाइटल अलग अलग, लेकिन हम सोचे अपना खुद का टाइटल है, जैसे होता है खेसारी लाल उनका टाइटल लिए शशि लाल यादव, प्रमोद प्रेमी का अवधेश प्रेमी, हम भी सोचे किसी का टाइटल नहीं लें, अपना खुद का टाइटल बनाए, इसलिए यार सेट किए। यार का मतलब होता है जैसे दोस्त फ्रेंड, जी जी, जी, जी। इसलिए यार सोचे। सर आपका फेवरेट सॉन्ग कौन सा है? मेरा मतलब फेवरेट सॉन्ग तो सबसे ज़्यादा तो हम सेड सॉन्ग पसंद करते हैं, सेड सॉन्ग मैं मतलब बहुत गाता हूँ और सेड सॉन्ग ही लिखता हूँ भी। सर आपका एक जो फेवरेट सैड सॉन्ग है वो हमारे दर्शकों को सुनाया जाए। जी मैं गुंजन सिंह का एक सेड सॉन्ग बहुत ही सुनता हूँ, बहुत बार मतलब दिन में 3-4 बार सुन लेता हूँ वो सॉन्ग, ये है इतना बदल गईलू कि यकीन न होला हो, इतना बदल गईलू कि यकीन
न हो लहो बिना तर पे जवन गुजरे वो दिन न हो लहो इतना बदल गईलू कि यकीन न हो लहो। सर सैड सॉन्ग तो बहुत सारे हो गए, एक रोमांटिक सॉन्ग भी हो जानी चाहिए हमारी दर्शकों के लिए। जी मैम, अभी तो फिलहाल दर्शक लोग एक सॉन्ग रोमांटिक सॉन्ग बंशीधर चौधरी का है जी, वो बहुत ही गाना आजकल बहुत चल रहा है। एकै गो दिल छै दू गो जान, एकै गो दिल छै दू गो जान, के करा है रखियै हो भगवान। एक ही गो दिल छै दू गो जान, के करा है रखियै हो भगवान। नेहबो तो हमरे पमहरै छै, जुलियो रोज फोन कहरै छै। एक ही गो दिल छै दू गो जान, के करा रखियै हो भगवान। सर आपके आदर्श कौन है? जी मेरे आदर्श तो मतलब भोजपुरी के सभी सिंगर स्टार हैं, उनका मतलब वीडियो ऑडियो यूट्यूब पे देख के मैं मतलब तैयारी करता हूँ, उन्हीं मतलब गुरु उन्हीं को मानता हूँ, अभी गुरु कोई मतलब नहीं। जी सर, सर आपने कहा आप हिंदी सॉन्ग भी करते हैं। जी जी सर, थोड़ा बहुत हिंदी। सर एक हिंदी सॉन्ग भी हमारे दर्शकों के लिए हो जाए। मैम हिंदी सॉन्ग एक मेरा मतलब शिवेश भैया गाए थे, बेगूसराय के शिवेश सुपरस्टार हैं भैया जी, तो उनका एक गाना बहुत ही अच्छा लगा सुनने में, दिल से बार बार सुनते हैं, वो गाना ये है। मैं तेरे बाद मोहब्बत को भूल जाऊंगा, मैं तेरे बाद मोहब्बत को भूल जाऊंगा, इश्क का रोग नहीं दिल को अब लगाऊंगा, मैं तेरे बाद मोहब्बत को भूल जाऊंगा। तो आपने सुना अमरीश जी की गायकी, बहुत ही अच्छे उभरते हुए कलाकार हैं। ऐसी कहानी और ऐसी इंटरटेनमेंट चीज देखने के लिए हमारे फेसबुक पेज डॉक्टर रोशन कुमार को लाइक करें, फॉलो करें और शेयर करें, और हमारा यूट्यूब चैनल स्टार्स ऑफ बेगूसराय को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।